हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक जियो का सिम यूज करते हो और आपको जियो में 1 GB डाटा लोन चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जियो में इमरजेंसी डाटा लोन कैसे ले सकते हैं, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सच में 1 GB डाटा लोन ले सकते हो या जो भी आपको वीडियोज़ देख रहे हो बिल्कुल फेक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो लेकिन उस वीडियो में आपको जो भी बताया जाता है वो गलत होता है और आप 1 GB डाटा लोन नहीं ले सकते हो। तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप सच में 1 GB डाटा लोन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो का लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसको अगर आप यूज कर लेते हो तो आप महीने में 3 या 4 बार इजीली इमरजेंसी डाटा लोन ले सकते हो। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फुल डिटेल्स बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्योंकि अगर आपको 1 GB डाटा लोन चाहिए तो आपके फ़ोन में माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप 1 GB डाटा लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से डाउनलोड है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी नंबर यूज करते हो उस नंबर से आपको इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर जो भी आपका प्लान है वो शो हो जाएगा और जितना भी आपके सिम में MB बचा है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और ऊपर ही आपको अपना नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जियो केयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन है स्पीक टू हेलो जियो और एक ऑप्शन है चैट विथ ऑस का। तो यहाँ पर आपको कभी भी स्पीक टू हेलो जियो वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है चैट विथ ऑस का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक चैट ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर चैट करना है और कैसे आप 1 GB डाटा लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आप यहाँ से 1 GB डाटा लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है 1 GB डाटा लोन। जैसे आप यहाँ पर टाइप कर दोगे 1 GB डाटा लोन तो साइड में आपको शेयर का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर 4 से 5 सेकंड के अंदर एक रिप्लाई आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो रिप्लाई में लिखा है इमरजेंसी डाटा लोन सर्विस इज करेंटली अनेबल, मतलब जो भी पहले इमरजेंसी डाटा लोन मिलता था वो प्रेजेंट टाइम में एनेबल हो चुका है। मतलब आप अब कभी भी जियो में इमरजेंसी डाटा लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियोज में लोग बताते हैं कि आप इस तरह करो तो आपको डाटा लोन मिल जाएगा, इस तरह करोगे तो आपको डाटा लोन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी डाटा लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सारे आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको यहाँ पर डाटा लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको 1 GB डाटा चाहिए तो आपको यहाँ पर 1900 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आप 1 GB डाटा लोन ले सकते हैं। अगर आपको 1 GB डाटा फ्री में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नंबर कॉमेंट कर दें, आपको 1 GB फ्री में डाटा मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको 1 GB डाटा लोन मिलेगा। अगर आपको भी ऐसे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।